हेलो स्टूडेंट, तो हैशटैग 100 मैथमेटिक्स में आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, जो कि है सिलेंडर से रिलेटेड, मेंसुरेशन में सिलेंडर। तो देखिए, डायमीटर ऑफ ए रोलर, एक रोलर होता है ना, वो सिलेंड्रिकल होता है। डायमीटर ऑफ द रोलर 84 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 1.5 मीटर। यानी एक रोलर है जिसकी लेंथ या हाइट है 84 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर है 1.5 मीटर। इफ़ इट टेक्स 100 रिवोल्यूशन टू लेवल ए प्लेग्राउंड, वो 100 रिवोल्यूशन ले रहा है एक प्लेग्राउंड को लेवल करने में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए, आपके सामने रोलर बना है, ये लेंथ दी है 84 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.5। तो सबसे पहले तो आप लेंथ को कन्वर्ट करिए मीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो 84/100 हो गया। दूसरा, रेडियस हो जाएगी डायमीटर की आधी, 1.5/2 यानी 3.3/4 मीटर। अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड ड्यूरिंग द लेवलिंग ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू टोटल एरिया कवर्ड, जब ये घूमेगा तो टोटल एरिया कवर्ड करेगा, अपॉन 2πRH, एंड 2πRH इज द एरिया कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 100 इज इक्वल टू ये एरिया, टोटल एरिया कैलकुलेट करना है, a अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 3/4 इंटू हाइट 84/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया आ जाएगा आंसर 396 स्क्वायर मीटर। अब आपको कॉस्ट निकालनी है 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया को, तो 0.50 इंटू 396 से आंसर आ जाएगा ₹198। लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। वेट करिए सिलेंडर के नेक्स्ट क्वेश्चन का। थैंक यू।